साहब शिवप्रसन्न यादव मौजूद है। शिवप्रसन्न जी, आपके लड़के जो हैं वो टिकट लेकर के आ गए, क्या कहना चाहेंगे शिवप्रसन्न जी? कहना क्या चाहेंगे जी, आप लोग सब मिल करके जिता दीजिए, यही कहना चाहेंगे। और तो मतलब कि क्या 15 साल लालू की सरकार थी, 15 साल नीतीश की सरकार, क्या विकल्प के तौर पे आपके बेटे जी सबके विकल्प के पर खड़े हैं? दो मिनट सर, अरे आपके पुत्र है मैदान में तो पूछना जायज है जी। देखिए वो लड़ रहे हैं जी, जी पप्पू यादव जनतांत्रिक मोर्चा से चुनाव उनको सिंबल मिला है, वो लड़ रहे हैं जी जी। लेकिन और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता इस बार उनको अवश्य विजय श्री दिलाएगी। दरौंदा की जनता तैयार है, लोकवार ऐसे कोई सिंबल लेकर आई जी, तो जब सिंबल नहीं मिला तो इसी सिंबल से उजड़ रहे हैं जी जी। और उम्मीद है कि उनको जनता अवश्य जिताएगी। हाँ। अच्छा शिवप्रसन्न जी, आप पुराने नेता हैं, पिछले बार जब टिकट मिलने की बात आई तो उस समय उमेश सिंह को टिकट दे दिया गया और इस समय महागठबंधन के खाते में सीट चली गई, तो क्या लग रहा है कि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार क्या मूड बनाएगी, आपको क्या लग रहा है? दरौंदा विधानसभा की क्षेत्र की जनता जो है इस बार स्वयं निर्णय लेगी और महागठबंधन और एनडीए सबको जवाब दे। मतलब कुछ बदलाव करेगी 15 साल की लालू सरकार, 15 साल की नीतीश सरकार, तो कुछ विकल्प के तौर पे? अब वो विकल्प तो मैं उतना नहीं बतला सकता हूँ आपको, अभी तुरंत चुनाव होने दीजिए, धीरे धीरे सब पर्दे उठते हैं। क्या लग रहा है कि आप तो नीतीश जी के काफी करीबी रहे हैं, जेडीयू के करीबी रहे हैं, आज भी जेडीयू में हैं, तो जेडीयू में हैं तो आप जेडीयू का साथ देंगे या फिर जैसे ही एनडीए का साथ देंगे या अपने पुत्र का साथ देंगे? आप नहीं देख रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, पुत्र के साथ हैं। पूछने की बात है, पुत्र का साथ देंगे? अरे हम आप देख रहे हैं फिर इसको पूछ काहे कर रहे हैं? फिर जेडीयू तो आपको आप पे कार्रवाई भी कर सकती है? कोई कार्रवाई नहीं जेडीयू करेगी। तो ये कैसे संभव है कि जेडीयू में रहकर और फिर पार्टी का विरोध? ये नहीं, सब फालतू बात है, जेडीयू हमको कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जेडीयू के पीछे बीजेपी भी लगा हुआ है, समझे ना? बीजेपी लगा है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए चिराग को लगा दिया है, चिराग को लगा दिया, आप स्वयं बोल रहे हैं, वहीं जानिए। तो जेडीयू का कार्रवाई, जेडीयू मतलब तो अपने, आपका क्लियर डिसीजन है कि पुत्र के साथ आप एकदम है? पुत्र के साथ नहीं, दरौंदा की जनता के साथ जी जी। मैं पुत्र के साथ नहीं हूँ, दरौंदा की जनता का डिमांड था कि शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े या किसी चुनाव चिन्ह पर आवे, हम लोग साथ देंगे। सब जाति धर्म से ऊपर उठ करके दरौंदा की जनता इस बार तैयार है, इसमें कोई वर्ग बाकी नहीं है जिन्होंने नहीं कहा कि इंजीनियर शैलेंद्र को हम वोट नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि अपार बहुमत है और जनता का स्नेह और प्रेम है, चूंकि 5 वर्ष लगातार ही घूमते रहे जी, जी, जी। इसलिए जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जनता चाह रही है और जनता के कैंडिडेट है। तो आप इनके लिए क्षेत्र में तो घूमेंगे ना एनडीए के खिलाफ में? आप खुद देख रही है, 55 प्रश्न है, आप इतना पुराना हो सर। ऐसा है सर कि एनडीए के खिलाफ में आप अपने पुत्र के लिए वोट मांगेंगे ना? ये सब बेकार का प्रश्न है, आप स्वयं मत देख रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो पूछते की क्या बात? हमने कहा कि मैं दरौंदा, ठीक है हम आपसे सुनना कुछ नहीं, मैं कहा कि मैं दरौंदा की जनता के साथ हूँ, दरौंदा की जनता का जो निर्णय होगा उसके साथ। चलिए बिल्कुल, आपने देखा कि एमएलसी हैं और ये शिवप्रसन्न यादव, इनके पुत्र शैलेंद्र यादव, हालांकि ये भी अब अपने पुत्र को जिताने में लगे हुए हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि दरौंदा की जनता का यह मूड है कि वो दरौंदा विधानसभा से इस बार शैलेंद्र यादव को जिताकर भेजना चाहती है। और उसी को लेकर के शिवप्रसन्न यादव जी से बातचीत हुई, तो देखना यह होगा कि आने वाले समय में दरौंदा का जो ताज होगा वो जनता किसे पहना करके और बिहार के विधानसभा में भेजने का काम करती है। तो खैर आने वाला